क्या किसी ने कल्पना भी की होगी कि इतने गरीब परिवार से आने वाला एक व्यक्ति इतना सफल हो सकता है और भारतीय राजनीति को एक रास्ता दिखा सकता है, जिसमें से एक जो यथार्थ में होता हुआ दिख रहा है वह है परिवारवाद का सूर्यास्त, गौर परिवारवाद। मैंने राज्यों के लोगों को बताया कि कैसे, मैं किसी परिवार के खिलाफ नहीं हूं, नहीं मेरे किसी की व्यक्ति की दुश्मनी है। मैं लोकतंत्र की चिंता करता हूं और मैं सभी ज्ञानियों को कहता हूं, जरा लोकतंत्र के तराजू पर इन चीजों को तोल के देखो। और मैंने लोगों को बताया कैसे परिवारवादी राजनीति ने उनके राज्य का कितना नुकसान किया है, राज्य को पीछे ले जा रहा है। और मुझे खुशी है कि मतदाताओं ने इस बात को समझते हुए भी इस चुनाव में अपना वोट दिया है, लोकतंत्र की ताकत को मजबूत किया। साथियों, ये लगातार बहस बहुत जरूरी है। भारत जैसे लोकतंत्र में और देश को जिस ऊंचाई पर ले जाना है उसको ध्यान में रखते हुए जिन मुद्दों को मैं उठा रहा हूं उसको निरपेक्ष भाव से बहस होना जरूरी है। भारत में परिवारवादी राजनीति का, ये मेरे शब्द लिख करके रखिए दोस्तों, एक न एक दिन ऐसा आएगा जब भारत में परिवारवादी राजनीति का सूर्यास्त ये देश के नागरिक करके रहेंगे। दूसरा, सरकारी परियोजनाएं और नीतियां जिन लोगों के लिए बनाई गई हैं वह डिलीवर भी हो रही है या नहीं। इन्हीं सब कारणों से आज विपक्ष निहायत ही कमजोर दिखता है। इफ़ यू वॉन्ट टू सक्सीड इन पॉलिटिक्स, गुड गवर्नेंस इज द ओनली थिंग दैट मैटर्स। लगभग 2 साल से अधिक पेंडेमिक से जूझते हुए और अनएम्प्लॉयमेंट, बढ़ती महंगाई, इस प्रकार की अनेक समस्याएं, और उसके बाद भी अगर वोटर्स रूलिंग पार्टी को ही वोट दे रहे हैं तो यह साबित हो जाता है कि वोटर्स का विश्वास अभी भी कायम है।